हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे पाव भाजी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने आलू को धो के छील के कट कर लिया है, कैरेट को कट कर लिया है और एक बीन रोट लिया है मैंने। अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में कटी हुई सब्जियाँ डाल देते हैं। आप यहाँ पर मटर, गोभी और भी अपनी मनपसंद की सब्जियाँ ले सकते हो। बीन रोट भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। बीन रोट से कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और चार सीटी आने तक हम अच्छी तरीके से सब्जियों को उबालेंगे। देखिए चार सीटी लग गई है और हमारा ठंडी भी हो गई है सब्जियां। अब हम इसको एक मेसर की सहायता से अच्छी तरीके से सब्जियों को मैश कर लेते हैं। एक भी पीस बड़ा नहीं रहना चाहिए। सब्जियां हमारी अच्छी तरीके से मैश की हुई होनी चाहिए, तभी हमारी भाजी में टेस्ट अच्छा आता है। देखिए मैंने अच्छी तरीके से सब्जियों को मैश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में घी डालेंगे। आज मैं बिना बटर के बना रही हूँ, यह घी में भी बहुत टेस्टी बनती है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। कटे हुए प्याज डाल देते हैं और प्याज को भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक बार आप इस तरीके से घी में बना के भी ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छी लगता है। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और शिमला मिर्च को डाल देते हैं। अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और पाव भाजी मसाला डालेंगे। ये मसाला आपको इजीली बाज़ार में पैकेट मिल जाएगा, सारा टेस्ट इसी से आता है। एक चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप तीखा अपने अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हो और अच्छी तरीके से मसालों को पका लेंगे। अब हम कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। मैंने तीन मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसको भी हम अच्छी तरीके से पकाएँगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए। अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। टमाटर को भी हम अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं। अब हम उबली हुई सब्जियां डाल देते हैं इसमें। देखिए बीट रूट से कितना अच्छा कलर आया है। सारी सब्जियों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और इसमें हम गर्म पानी ही डालेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप आवश्यकतानुसार गर्म पानी डाल लेना। अभी हमारी सब्जी और पकेगी इसलिए मैं पानी और डालूंगी, क्योंकि सब्जी ठंडे होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। देखिए मैंने आवश्यकता अनुसार पानी डाल लिया है और अच्छी तरीके से पकने देना है। अब हम इसमें इमली का रस डालेंगे। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालना, क्योंकि हम सब्जियां उबालते हुए भी नमक डाला था और टमाटर को पकाते हुए भी डाला था, तो नमक हमें ध्यान से डालना है। और सब्जी हमारी देखिए अच्छी तरीके से पक गई है। इस पे हम हरा धनिया डाल देते हैं खूब सारा। और अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। देखिए भाजी बनके हमारी तैयार हो गई है। गैस को ऑफ कर देते हैं। थोड़ा और फ्लेवर देने के लिए हम एक तवा लेंगे, उस पर हम एक चम्मच घी डालेंगे और घी को गर्म होने देना है।
अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे गर्म होने के बाद में। आप ये जब भी आपको पाव भाजी खानी हो तब इस टाइम गर्मा गर्म इस तरीके से बना के खा सकते हो। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, थोड़े से प्याज डाले हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला है और अब हम भाजी डाल देते हैं इसके ऊपर। और अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल होटल जैसी भाजी, वो इसी तरीके से बना के हमारे को देते हैं जब हम खाने के लिए जाते हैं। तो ऐसा टेस्ट लेने के लिए आप इस तरीके से घर में भी बना सकते हो। देखिए बिल्कुल लग रहा है ना होटल जैसा। साइडों में हम पाव भी रख देते हैं थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए इस तरीके से। अब हम सर्व कर लेते हैं भाजी को। आप एक बार इस तरीके से बना के जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब ये मसाला लगा हुआ है तवे पर, उसी में हम अपने पाव सेक लेते हैं। आप चाहे तो घी या बटर लगा के भी सेक सकते हो, लेकिन ये मसाला लगा हुआ है इसमें हमारे पाव बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। मैं सारे पाव इसी तरीके से सेक लेती हूँ। सारे पाव मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाव भाजी बनके हमारी तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक ओके बाय फ्रेंड्स।